सभी साथियों को राम राम, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र फौजदार, आपका छोटा भाई। दोस्तों, आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ कि विश्व के साथ साथ हमारे देश में भी फैली हुई एक महामारी के बारे में, जिसका आप सबको पता है, कोरोना या कोविड-19। दोस्तों, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को एक संकट की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, और वर्तमान स्थिति में ये संकट हमारे भारत देश में भी एक बड़ी गंभीर स्थिति में है। दोस्तों, भारत के नागरिक इसे अभी गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो हमें इसको गंभीर रूप से, यानी कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अभी हम इस कोरोना वायरस की तीसरी स्टेज पर हैं। दोस्तों, जो गलती चीन ने की, जर्मनी ने की, इटली आदि देशों ने जो गलती की थी, वो गलती हम दोहराने जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी सरकार बार बार ये प्रयास कर रही है कि देशवासियों को इस महामारी के प्रकोप से कैसे बचाया जाए। तो उसी पर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं कोई एजुकेशनल वीडियो आपका टॉपिक नहीं दे रहा, आज केवल इसी चीज पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, और आपको सजग बना करने के लिए अपने एक राष्ट्र धर्म का पालन करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना कोविड-19। इसके मैंने आपको ये पॉइंट निर्धारित किए हैं, समस्या, चुनौती या अवसर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कोरोना की समस्या या चुनौती के बारे में। दोस्तों, ये समस्या या चुनौती है हमारे पूरे देश के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए समस्या है। एक चुनौती के रूप में हमारे सामने, एक पहाड़ जैसी चुनौती सामने खड़ी है। हर आदमी के दिमाग में केवल एक ही चीज है कि आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हम खुद जागरूक नहीं है। दोस्तों, सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है कि हमें सजग रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जो गलतियां चीन ने की, चीन को बहुत पहले से पता चल गया, वुहान के साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था कि एक खतरनाक वायरस जो है वो फैलने जा रहा है, लेकिन चीन की सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, और आखिरकार उसी साइंटिस्ट की जो मौत हुई थी वो इसी वायरस के कारण हुई थी। उसके बाद ये एकदम से तीसरी चौथी जो स्टेज है वो चीन में फैला। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब चीन जैसा देश, इटली जैसा देश, स्पेन, जापान आदि, अमेरिका जैसे देश इसे काबू में नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में अगर ये स्थिति चीन और इटली जैसी हो जाए तो हम इसे कवर कर लें। नामुमकिन है दोस्तों, नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमारे पास चीन जैसे, अमेरिका जैसे संसाधन है, ना हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं इतनी उत्तम है, उन्नत है, हमारे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है जो उन देशों के पास है, फिर भी हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने अभी तक, समस्या के बारे में बता रहा हूं जिसे हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्या अब तक आपने जन्म से लेकर आज तक के समय में कभी किसी वायरस के द्वारा सरकार को आपकी रिंगटून, कॉलर ट्यून, मोबाइल की बदलते हुए सुना है? नहीं सुना। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बात करूं, क्या किसी बीमारी के कारण, किसी वायरस के कारण दो देशों की सीमाएं, दो राज्यों की सीमाएं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई हैं? आज तक के इतिहास में कभी नहीं की गई। अगर मैं और तथ्यों पे अगर इसके मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या किसी बीमारी के कारण, क्या किसी वायरस के कारण किसी भी विश्वविद्यालय की, किसी महाविद्यालय की, स्कूलों की परीक्षाएं रद्द की गई? आज तक के इतिहास में नहीं की गई मित्रों। कभी कोई ऐसे मॉल, सिनेमाघर आदि पर एकदम से पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाई गई दोस्तों। कभी भी कोई न्यायालय बंद नहीं हुआ, कभी कार्यालयों पर ताला नहीं लगाया गया। कितनी बार वायरस के चलते धारा 144 लगी हमारे देश में? मेरी समझ में नहीं, और शायद आपकी समझ में भी नहीं।
लेकिन दोस्तों हम फिर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री हमें बार 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 इंगित कर रही है, सचेत कर रही है दोस्तों, लेकिन हम उसके इशारे नहीं समझ पा रहे। कल को चीन, इटली, स्पेन जैसे पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया, तो आप सोचो आपकी स्थिति क्या होगी। एक ऐसा वायरस जो एक शरीर से दूसरे शरीर में संपर्क में आने से ही फैल रहा है। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे हैं, यार क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप एक दिन घर से ना निकलोगे, दो दिन घर से ना निकलोगे, घर बैठकर अपना काम कर लोगे, दो दिन अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के साथ रह लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। आपके हित की बात है, आपके माँ बाप, आपके बच्चों की हित की बात है। सरकार एडवाइजरी दे रही है, वो देश हित की बात है। आप थोड़ा सोचें, क्योंकि जो गलती चीन, इटली, अन्य देशों ने की, वो आप गलती ना करें। दोस्तों ये समस्या है, चुनौती के रूप में यानी हमारे सामने खड़ी है। चुनौती हम नागरिकों के सामने से ज्यादा गवर्नमेंट के सामने है, सरकार के सामने सबसे ज्यादा चुनौती है। हमारी जिम्मेदारी उसने उसके ऊपर है। कल 22 तारीख को जनता कर्फ्यू इसी वजह से लगाया गया है कि इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोका जाए, संक्रमण ना फैले। इसी वजह से कल जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और इस बात की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है कि अगर ऐसा हो सकता है तो यह हमने क्यों नहीं किया। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, देश हित में। हमें जरूरी नहीं है कि हमारे देश के लिए हम बॉर्डर पर जाकर ही कुछ करें, कि हमें सब हाथ में बंदूक दी जाए और हम बॉर्डर पर जाके यानी दुश्मन से लड़ें, जरूरी तो नहीं है। अपनी देशभक्ति निभाने के लिए आप एक छोटा सा प्रयास अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने घर में रहकर आप अपने माँ बाप, अपने परिवार वालों का भविष्य बचा सकते हैं। खुद की सेहत ही सबसे बड़ा धन होता है मित्रों। तो आप इन बिंदुओं पर चर्चा करें, अपने आप को सोचें विचारें, और आप मेरे आपसे एक निवेदन है कि आप कल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का साथ दें और इस कोरोना या कोविड-19 जैसी महामारी से देश को बचाएं। दोस्तों ये समस्या चुनौती तो है सबके सामने, लेकिन मैं इसमें तीसरा पॉइंट आपके सामने जोड़ रहा हूं और वो है अवसर। अब अवसर ये किस चीज का अवसर है? समस्या या चुनौती तो सबके सामने है, लेकिन अवसर किसके लिए? हमें इसके एडवांटेज भी हैं, जरूरी तो नहीं है कि हमें इसके नुकसान ही है। हाँ नुकसान है, मैं कह रहा हूं नुकसान है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की जमीन पर पड़ी हुई है इस कोरोना के कारण। जो महाशक्ति चीन, अमेरिका, जर्मनी, जो अन्य देशों को आंख निकालकर डराने की क्षमता रखते थे दोस्तों, वो आज औंधे मुंह पड़े हुए हैं। तो हम भारत देश अभी उनके जैसा नहीं है, समझो इस बात को। तो मैं अब बात कर रहा था अवसर की, तो ये अवसर भी है, और अवसर किसके लिए है मित्रों? तो ये अवसर है मेरे जैसे उन साथियों के लिए जो मेरे क्षेत्र में है। ऐसे मेरे साथी जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और अचानक से उनके सामने गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दे दिया कि 31 मार्च तक सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेंटर्स सब लॉकडाउन रहेंगे। सरकार के अगले आदेश तक इनको नहीं चलाया जा सकेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं अपनी उस एज की, जिस जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, लगे हुए थे, और अचानक से उन्हें एक ऐसा ब्रेक मिला कि एकदम से अच्छी गाड़ी चल रही थी, अच्छी तैयारी चल रही थी, सामने एग्जाम की डेट थी, और एक अचानक से ऐसा ब्रेकर, कोरोना ब्रेकर आया जिसने
उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम कर दी या फिर बहुतों की तो बंद ही कर दी। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ये ना समझें कि अब हमारी पढ़ाई छूट रही है, हमारी तैयारी कैसे होगी। तो दोस्तों ये उन बच्चों के लिए एक अवसर भी साबित हो सकता है कि इसके कारण जब हम घर पर हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, आज आपको सारी सुविधाएं जो ऑफलाइन होती थी आज वो सारी सुविधाएं ऑनलाइन है, तो आप घर पर रहकर भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए मैं खुद स्वयं प्रयासरत हूं। आपको ऑनलाइन वीडियो अपने गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं, करवा रहा हूं। अन्य मेरे साथी हैं जो आपको समय समय पर अपने विषय की जो वीडियो है, टॉपिक वाइज है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो रीट की हो, रीट के लिए साइको का लगा रखा है, जीके का चल रहा है, उसके अलावा रीजनिंग के बारे में बात करें, पुलिस, पटवार, एसटीसी आदि प्रतियोगी परीक्षाएं सामने हैं, तो उनके लिए हमने रीजनिंग की क्लास भी लगा रखी है, और जीके की आपके लिए राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके आपको बदस्तूर कंटिन्यूटी मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप ऐसा ना समझें कि हमारी जो पढ़ाई है वो ब्रेक हो गई है। आप अपने आप को रोके नहीं, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना को आप करोना बना दो, घर बैठ के करो ना, ऑनलाइन करो ना, कोरोना नहीं करोना। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अपनी सेहत का विशेष तौर से ध्यान रखें, ये ना सोचे कि मैं यंग हूं, मेरे अंदर इम्यूनिटी पावर है, मैं झेल जाऊंगा, वायरस है अभी, मेरी एज है, मैं झेल जाऊंगा। हां हो सकता है आप झेल जाओ, आप पर उसका प्रभाव ना हो, लेकिन दोस्तों आप घर से बाहर इधर से उधर घूम रहे हो, तो आप किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं, आ गए, भीड़ में आ गए, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर है, हो सकता है आप पर उसका कोई प्रभाव ना हो, 6 दिन में 7 दिन में आप पर ना दिखे, लेकिन आप अपने घर जा रहे हो, आपको सबको मालूम है कि ये कोरोना COVID-19 जो वायरस है ये ओल्ड एज पर ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप अपने घर जा रहे हैं, आपके माँ बाप दादी दादा वो आपके साथ रहते हैं, आप पर प्रभावी ना हो दोस्तों, लेकिन वो उन पर प्रभावी हो सकता है, और अगर उन पर प्रभावी हो गया तो वो पूरी फैमिली पर प्रभावी हो सकता है। तो दोस्तों मेरा आपसे अंत में निवेदन यही है कि आपके घर पर रहें, अपने घर से करें, आपका काम है, कोई भी काम है आप अपने घर बैठकर कर सकते हैं, और दोस्तों अगर 7 दिन भी अगर ना निकले ना तो भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देश की सारी जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, सब बंद हैं, तो आप क्या करना है बाहर जाके। लेकिन अभी तो सरकार धीरे धीरे ये कर रही है कि अभी मान के चलें कि हम ये कहें कि 2 दिन के लिए गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिया, और हमें ये चीज नहीं मानी, हमने इसको नहीं गहनता से नहीं लिया है, हम अपनी इसी लाइफ में चल रहे हैं, और आगे चलकर ये कोरोना जो महामारी है इसने विशाल रूप ले लिया। सीधा सा उदाहरण हम अगर जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी में ये स्टेज फर्स्ट में आया था दोस्तों 4 मार्च को, 4 मार्च को स्टेज फर्स्ट थी, 500-600 केस जर्मनी में इसके आए, गंभीरता से नहीं लिया जैसे कि आज हम नहीं ले रहे हैं। सीखो उन देशों से जो हमसे पहले निपट रहे हैं, हमसे पहले इसकी चपेट में आ चुके हैं, 4 मार्च को 500 या 600 ही केस सामने आए, किसी को नहीं रोका, आना जाना बदस्तूर जारी रहा, जर्मनी ने गलती की। अगले 10 दिन बाद की अगर कंडीशन देखें दोस्तों तो 14 मार्च को जर्मनी में 5000 केस सामने आए थे, 10 गुना बढ़ गया, 14 मार्च को 5000 थे, और ये काउंटिंग नंबर्स जो हैं ये अगले पांच दिन में 15000 प्लस थे, 15000 प्लस हो गए। तो दोस्तों कोई मलेरिया का रोग नहीं है कि आया वायरल है, बुखार है, 2 दिन में उतर जाएगा,
सात दिन तक तो आपको पता नहीं चलना है, और सात दिन के बाद बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही एक निवेदन है, कल अपने देशभक्त होने का परिचय दें, अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए। 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू है उसे सफल बनाएं, अपने घर पर रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। मेरा आपसे यही कहना था, स्टूडेंट से कहना था कि आप घर पर रहें, जुड़े रहें, मुझसे जुड़ें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार बैठा हूं। जहां तक संभावित होगा मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका साथ दूंगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। एजुकेशन की जो वीडियो है चैनल पे वो लगातार जारी है, लगातार अपलोडिंग हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।